ग्वालियर में कैब ड्राइवर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। कैब ड्राइवर का पानी में उतरते हुए वीडियो भी सामने आया है। अवकाश होने पर वह अपने साथियों के साथ छुट्टी मनाने पहुंचा था। ग्वालियर में पूल में नहाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ड्राइवर ने पूल में छलांग लगाई, दोस्तों की नजर जब तक उस पर पड़ी तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजौली थाना पुलिस के मुताबिक दोस्तों के बीच शराब पार्टी भी हुई। मृतक की मौत से चंद मिनट पहले का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है जिसमें पवन स्विमिंग पूल में नहाते दिख रहा है। ये वीडियो भी उसके दोस्त ने बनाया था, इसमें वो पानी में उतरते हुए भी नजर आ रहा है। पुलिस ने इन सभी वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर यह पता लगा रही है यह हादसा कैसे हुआ। परिजनों ने भी इस सब के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई है। बिजौली थाना अंतर्गत बड़ा गांव में एक स्विमिंग पूल में डूबने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तीन दोस्त वहां पे पार्टी वगैरह करने के लिए गए हुए थे, इसमें एक व्यक्ति की डूबने से मौके पर मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।